हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक सब टॉपिक इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदला जाता है और नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बदला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अफर्मेटिव से रेफरेंस होता है कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें नेगेशन ना हो, जिसमें मनाई ना हो। कोई फ्लैट स्टेटमेंट जो होता है वो अफर्मेटिव होता है। जैसे हमने कहा, यू आर टॉल, ये सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव। क्लियर? आई एम हैप्पी, ये दोनों सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। और अगर नेगेटिव की बात करें तो जनरली फ्रेंड्स क्या है, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जो किसी काम के लिए जिसमें सब्जेक्ट मना करता है, ये जिसमें कोई काम नहीं होता। सिंपल सी बात, जिसमें नॉट आता है वो क्या होता है? कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर? जैसे यू आर टॉल को कहें यू आर नॉट टॉल, यू आर नॉट टॉल। और आई एम हैप्पी को अगर हम कह दें तो आई एम नॉट हैप्पी। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे, पहला यू आर टॉल, इसका नेगेटिव क्या बन गया फ्रेंड्स? यू आर नॉट टॉल। आई एम हैप्पी, ये अफर्मेटिव था, और इसका जो नेगेटिव मिला मिला हमें वो मिला आई एम नॉट हैप्पी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बड़ा इजी काम है, क्या करना है? इसमें नॉट लगा देना है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ नॉट तो हमें लगाना है, साथ में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण से मतलब है कि इसमें हम सेंटेंस की फॉर्म को तो बदल रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग हम नहीं बदलते। अब हम वापस पहले सेंटेंस पे आते हैं। इसका अर्थ है यू आर टॉल कि आप लंबे हैं, और दूसरे सेंटेंस का अर्थ हुआ कि यू आर नॉट टॉल, आप लंबे नहीं हैं। देखिए, मीनिंग दोनों का बदल गया, दोनों ऑब्जिट हो गए। आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, और आई एम नॉट हैप्पी, मैं हैप्पी नहीं हूं। मीनिंग में अंतर आ गया। अभी तक अगर आपने कभी नॉट लगाने के लिए आपको कहा गया है किसी भी सेंटेंस में, नेगेटिव बनाने के लिए आपको कहा गया होगा, इवन हमारी 10th स्टैंडर्ड तक, तब हम क्या करते हैं? सेंटेंस को सीधा सा उसका मीनिंग बदल देते हैं और उसमें हम नॉट लगा देते हैं। लेकिन जब बारी ट्रांसफॉर्मेशन की आती है तब हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनकी हमें स्टडी करनी होती है। क्योंकि यहां हमें नॉट तो लगाना है फ्रेंड्स, नेगेटिव तो बनाना है, लेकिन वो इस वे में बनाना है कि सेंटेंस का अर्थ ना बदले। अब अगर मैं इस सेंटेंस को दोबारा लूं और मैं कहूं यू आर टॉल कि आप लंबे हैं, और इसका मीनिंग वही रखते हुए मुझे नेगेटिव बनाना पड़े, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू आर नॉट शॉर्ट। अब आप इस सेंटेंस को और इसको कंपेयर करें, फर्स्ट को और थर्ड को, कि यू आर टॉल, आप लंबे हैं, और यू आर नॉट शॉर्ट, आप छोटे नहीं हैं। अब छोटे नहीं है, इट मींस क्या है? लंबे हैं। क्लियर सी बात है। तो यहां देखिए, जो टॉल था, इस टॉल का हमने नेगेटिव लगा दिया, और कैसे बना दिया इसका नेगेटिव? नॉट भी लगाया और इसका अपोजिट वर्ड भी बनाया, ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, ताकि ये दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव टॉल बना। क्लियर? अगर मैं इसको कहूं आई एम हैप्पी, अगर मैं कह दूं आई एम नॉट सैड, मैं खुश हूं, अर्थात मैं दुखी नहीं हूं। तो यहां जो हमने ये बाद में जो नेगेटिव बनाए, ये बाद वाले, इनमें हमारा जो मीनिंग है वो वही है जो ऊपर वाले सेंटेंस का है, वही यहां है। यानी अब हमें जो काम करना है वो ये वाला काम नहीं करना, सेंटेंस को फ्लैट हमें नेगेटिव नहीं बनाना, सीधा हमें नॉट उसमें नहीं लगाना, बल्कि उसको जो हमें नॉट लगाना है उसमें, वो इस वे में लगाना है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी ना बदले। मींस यू आर टॉल,
यू आर नॉट ट्रॉल्ड, आई एम हैप्पी और आई एम नॉट सैड, इस तरह से हम यहाँ नेगेटिव बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमें कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तो चलिए एक एक रूल्स हम लेते जाते हैं, एक एक रूल लेंगे और उस पर बेस्ड हम सेंटेंसेज कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले बात अगर हम करें फ्रेंड्स, पहला रूल यही है जो मैंने यहाँ ऊपर आपको नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझाते हुए बताया, इसमें क्या है, बाय यूजिंग एंटोनिम। यानी यहां आपने जो यूज किया ऊपर वो आपने एंटोनिम का यूज किया, क्लियर। जैसे अगर मुझे बनाना हो दिस मैंगो इज स्वीट, यह मैंगो मीठा है, क्लियर, यह आम मीठा है, इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाए। फ्रेंड्स सिंपल सी बात, इस पूरे सेंटेंस में आपने देखा कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी आपको दिखाई दिया आप उसको देख लीजिए, आपको स्वीट दिख गया, अब आप स्वीट का ऑपोजिट लगा दें और नॉट लगा दें, क्या बताया, स्वीट का ऑपोजिट और नॉट, तो सेंटेंस बनेगा आपका दिस मैंगो इज नॉट, और स्वीट का ऑपोजिट है फ्रेंड सॉफ्ट, यानी खट्टा। अगर हम मैंगो की बात कर रहे हैं, हमने कहा मैंगो मीठा है अर्थात आम खट्टा नहीं है, कोई आम खट्टा नहीं है, इसका मतलब क्या है, मीठा, क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, इस वर्ड का जो भी हमें दिखा उसका हमने ऑब्जेक्ट लगाया और साथ में नॉट लगा दिया, एनी डाउट। चलिए कुछ और सेंटेंसेस अगर हम कहें, मुकेश इज अ रिच मैन, कि मुकेश एक रिच व्यक्ति है, एक धनी व्यक्ति है। फ्रेंड्स अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाए, मुकेश इज नॉट अ, जो रिच है रिच का ऑब्जेक्ट क्या लगाया हमने, पुअर मैन, देखिए नॉट लगाया और इस रिच का हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्लियर है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें, शी ऑलवेज हेल्प्स मी व्हेन आई एम इन नीड, कि वो मेरी हमेशा हेल्प करती है जब मैं जरूरत में होता हूं, क्लियर फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं ऑलवेज दिख जाता है और ऑलवेज के साथ आपको वैन दिख जाता है तब आपको क्या करना है, उसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको एक तो नेवर का यूज करना है और वैन से पहले बट लगा देना है, मीन्स नेवर और प्लस बट व्हेन का आप यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव बना दें, यानी शी नेवर हेल्प्स मी बट व्हेन आई एम इन नीड, क्लियर फ्रेंड्स। अगर सेंटेंस में आपको कहीं एज सून एज दिख जाता है, नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हमें कहीं एज सून एज दिख जाता है तब हम क्या करें, यानी रूल नंबर टू, कहीं आपको एज सून एज दिख जाए तब आप क्या करें। एज सून एज का जो अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स जैसे ही या ज्यों ही, क्लियर, एज सून एज ज्यों ही। तो इसको बदलने के लिए आप यूज करें सेंटेंस में सबसे पहले नो सूनर, और नो सूनर इसका नेगेटिव होता है, नो सूनर को यूज करके
आप सेंटेंस को बना दें, लेकिन ध्यान ये रखें नो सूनर के बाद सेंटेंस में आप देन का भी यूज करेंगे। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, एक टॉपिक सिंटेक्स में आता है, वहां नो सूनर के साथ वेन दे दिया जाता है। ध्यान रखें इस पेयर में जहां भी नो सूनर यूज होता है, नो सूनर के बाद आप हमेशा देन का यूज करते हैं, वेन का आप यूज नहीं करेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से इस बात को हम समझते हैं। एज सून एज द थीफ हर्ड द नॉइज ही रैन अवे। एज सून एज द थीफ हर्ड द नॉइज ही रैन अवे, कि जैसे ही चोर ने शोर सुना वह भाग गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, नो सूनर लगाया। अब नो सूनर के बाद आपको यहां ये कंडीशन होती है कि जहां भी आप नो सूनर लगाते हैं उसके बाद आपको सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी पड़ती है। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, देखिए हार्ड है, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट पे आप क्या लगाएंगे, यहां आप लगाएंगे डिड। क्लियर? यानी ध्यान रखें यहाँ इन्वर्जन होता है, इस टेक्निकली इस चीज को हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब है नो सूनर जहां भी आए उसके बाद आप यहाँ जो वर्ब यूज हो रही थी, जिस टेंस की वर्ब यूज हो रही है उसकी हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ लगा दी। तो सेंटेंस क्या बना, नो सूनर डिड द थीफ हियर द नॉइज। और बाकी सेंटेंस फ्रेंड्स इसमें एक चीज और आपको यहाँ लगा देनी है, देन। तो ये जो यहाँ कॉमा लग रहा था यहाँ आप यूज करेंगे देन का, देन ही रैन अवे। तो सेंटेंस बन गया, नो सूनर डिड द थीफ हियर द नॉइज देन ही रैन अवे। इसका मीनिंग क्या निकल कर आया, मीनिंग वही है फ्रेंड्स, जैसे ही चोर ने शोर को सुना वह भाग गया। नीचे वाले सेंटेंस का भी मीनिंग सेम है, चूंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसलिए यहां मीनिंग में कोई चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। एक और सेंटेंस, एज सून एज ही सीज अ डॉग ही रन्स अवे। कि जैसे ही वह कुत्ते को देखता है वह भाग जाता है। क्लियर? या जो ही वह कुत्ते को देखता है वह भाग जाता है। तो फ्रेंड्स क्या बनाया आपने सेंटेंस, एज सून एज है, आपने नो सूनर का यूज किया और आपको आगे यहां कॉमे की जगह देन लगा देना है। नो सूनर के बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, टेंस देखिए कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो नो सूनर Does he see a dog? Then he runs away. Clear friends? No sooner के बाद helping verb use किया आपने और बाद में वहां इस कॉमे की जगह then लगा दिया। Friends, ये rule I hope clear हुआ आपको। दूसरा भी जो थर्ड रूल है, कहीं अगर सेंटेंस में आपको ओनली या अलोन दिख जाए तब आप क्या करें। फ्रेंड्स ओनली या अलोन होने पर सेंटेंस में आप नन बट का यूज करें, इनको हटा दें और इनकी जगह आप नन बट का यूज कर दें। जैसे रोहित अलोन हेल्प्ड मी, रोहित alone helped me, कि अकेले रोहित ने ही मेरी हेल्प की। क्लियर? ओनली या अलोन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, केवल या अकेला। तो हम कह सकते हैं यहां कि केवल रोहित ने ही मेरी हेल्प की। तो क्या करना है आपको, अलोन यहां से हटा देना है और जो नन बट है फ्रेंड्स वो आपका
सबसे पहले सेंटेंस में आ जाता है। तो सेंटेंस क्या बना आपका, नन बट रोहित हेल्प्ड मी, नन बट रोहित हेल्प्ड मी। क्लियर फ्रेंड्स। एक और सेंटेंस, कहीं ओनली अगर आपको दिया गया हो, ओनली यू वर प्रेजेंट इन द क्लास, कि क्लास में केवल तुम ही प्रेजेंट थे, तो क्या करना है फ्रेंड्स, ओनली हटा देना है, नन बट आपको सबसे पहले लगा देना है, नन बट यू वर प्रेजेंट इन द क्लास। दैट्स क्लियर, समझ में आई बात फ्रेंड्स। कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर एडवर्ब टू का यूज होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, हम एडवर्ब टू का यूज पढ़ चुके हैं, तो एडवर्ब टू जहां दिख जाए आपको एडवर्ब टू हटा दीजिए, और हटाने पर सेंटेंस अपने आप ही नेगेटिव बन जाएगा। यानी रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, कैसे सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, हम कहें द वॉल इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, कि जो वॉल है वो इतनी ऊंची है मेरे लिए कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। क्लियर फ्रेंड्स। तो सेंटेंस क्या बना आपका, द वॉल इस टू को हटाना है, आपको क्या लगा देना है, सो, और आपने हाई यूज किया बाद में, सो हाई दैट, और दैट के बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, फॉर मी आ रहा है, तो मी का सब्जेक्ट आपने आई बना लिया, और टेंस आपका प्रेजेंट है तो कैन नॉट का यूज करें, और पास्ट है तो कुड नॉट का यूज करें। I cannot climb it. The wall is so high that I cannot climb it. कि जो वॉल है वो इतनी ऊंची है कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। Clear friends? एक और sentence. Rita was too weak to run. रीता वॉज टू वीक टू रन, कि रीता इतनी कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकती, मीन्स रीता वॉज सो वीक दैट सी, अब चूंकि पास्ट टेंस की बात है तो क्या यूज करना है आपको, कुड का यूज करना है, रीता वॉज सो वीक दैट सी कुड नॉट रन, चूंकि टेंस पास्ट टेंस में है तो हम यहां कहेंगे कि रीता इतनी कमजोर थी कि वह दौड़ नहीं सकी, अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो हम कहते हैं रीता इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। क्लियर फ्रेंड्स, ये हुआ रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। कहीं अगर आपको डिग्री मिल जाए, मीन्स अगर कंपैरेटिव डिग्री मिल जाए और सेंटेंस को कहा जाए कि नेगेटिव बनाना है, तब आपको क्या करना है, तब आपको सिंपल सी बात है, उस टेंस की, उस सेंटेंस में एडवर्ब, जो एडवर्ब या एडजेक्टिव है उसकी आपको डिग्री बदल देनी है और कंपैरेटिव से आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देना है, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें अगर आपको कंपैरेटिव दिखती है तब आप उसको पॉजिटिव में बदल दें, अपने आप ही उसमें सेंटेंस में नॉट लग जाएगा। जैसे हम कहें यू आर टॉलर देन आई, कि तुम मुझसे टॉल हो, मुझसे लंबे हो,
यहाँ डिग्री कौन सी दिख रही है आपको? देखिए कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है टॉलर। इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको भी हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको हेड टेल बदल देनी है और सेंटेंस में नेगेटिव का यूज करके सेंटेंस को बना देना है। तो सबसे पहले आप क्या लाएंगे, आई एम नॉट सो टॉल एज यू, कि मैं उतना लंबा नहीं हूं जितने की तुम। क्लियर? अर्थात तुम मुझसे लंबे हो। बात समझ में आई फ्रेंड्स? फ्रेंड्स सेंटेंस में अगर आपको पॉजिटिव डिग्री दिखती है तब आप उसको कंपैरेटिव में बदल दें तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नेगेटिव अपने आप ही हो जाएगा। यानी कहीं आपको पॉजिटिव डिग्री दिखती है तो आप उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें। जैसे सी इज एज गुड एज अर्जुन, कि वह उतनी ही अच्छी है जितना कि अर्जुन। यहां डिग्री कौन सी दिखी फ्रेंड्स आपको? पॉजिटिव डिग्री दिखी, गुड। अब आपको क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसकी आपको सीधी सी कंपैरेटिव डिग्री आप ले आए, क्योंकि पॉजिटिव से जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज करते हैं तब हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, अर्जुन इज नॉट बेटर देन शी, ये बनी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर फ्रेंड्स? कहीं आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखती है तब आप उसको पॉजिटिव पे बदल दें, और सुपरलेटिव को जब आप पॉजिटिव में बदलेंगे तो सेंटेंस में आपके नॉट ऑलरेडी आ जाएगा। सेंटेंस है जैसे इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ यूज हुई है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स यहाँ सुपरलेटिव जहां आपको दिख रही है उसको सीधा आप पॉजिटिव में बदल दें, और पॉजिटिव में इस तरह के सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, नो अदर से। क्लियर? यानी नो अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, पीछे वाला पोर्शन पहले ले आए, इज। अब क्या यूज करें हम फ्रेंड्स, नो अदर के बाद हम यूज करें आगे एज, पॉजिटिव डिग्री और एस। तो नो अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया। क्लियर? ये बनी आपकी पॉजिटिव डिग्री। बात यहां क्लियर है फ्रेंड्स? मीन्स यहां आपको डिग्री यहां चेंज कर रहे हैं नेगेटिव बनाने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आप डिग्री को इन डिटेल आप इसकी स्टडी चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको एक दूसरा चैप्टर मिलेगा, और वो क्या है फ्रेंड्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और वो वहां पर जो डिग्री है वो पूरी डिटेल में मैंने वहां डिग्री को पढ़ाया है, आप वहां उसको देख सकते हैं, वहां उसकी आप स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको फेल का यूज करके सेंटेंस का नेगेटिव बनाया जाता है। मीन्स क्या यूज करना है आपको, फेल। और वो कैसे यूज करना है फ्रेंड्स, अगर कोई वर्ब आपको सिंपल वे में मिलेगी, आपको कोई मेथड अप्लाई करने के लिए नहीं मिल रहा, तब आप इस मेथड का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं आई प्ले हॉकी, अब इसमें आपको शायद दिख ही नहीं रहा होगा कि मैं कैसे इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाऊं, ना तो कोई एडजेक्टिव दिख रहा है जिसका हम नॉट लगा दें, ना कोई यहाँ डिग्री आपको दिख रही है, ना रिमूव टू, आपका रिमूव टू का एग्जाम्पल दिख रहा है। तब ऐसी जगह आप क्या करें, आप सीधा सीधा सा आप फेल का यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं। और फेल का जो अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स चूकना, यानी मिस। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं,
अर्थात मैं हॉकी खेलने से नहीं चूकता। तो सेंटेंस क्या बनेगा फ्रेंड्स? आई डू नॉट फेल टू प्ले हॉकी। बन गया फ्रेंड्स सेंटेंस नेगेटिव। एक और एग्जांपल ऐसा ही, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो। तो क्या बना है फ्रेंड्स? डोंट फेल या डू नॉट फेल, मत चूको। किससे मत चूको? टू स्पीक द ट्रूथ। सत्य बोलने से, सदा सत्य बोलो या सत्य बोलो, तो सत्य बोलने से मत चूको। इस फेल का जो अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स चूकना, यानी मिस करना। क्लियर फ्रेंड्स? कुछ सेंटेंस ऐसे हमें मिल जाते हैं जहां हमें डबल नेगेटिव का यूज करना पड़ता है। क्या? डबल नेगेटिव, यानी हम जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं विदाउट का। डबल नेगेटिव का मतलब है विदाउट का यूज करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूं। अगर मैं कहूं पोर्शिया वॉज वाइज, कि पोर्शिया बुद्धिमान थी, तो फ्रेंड्स क्या बनेगा इसका सेंटेंस? हम विदाउट का यूज करके सेंटेंस को बना रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा, कि पोर्शिया वॉज नॉट विदाउट, और जो वाइज है फ्रेंड्स इसकी आपको नाउन लगानी पड़ेगी, विजडम। तो सेंटेंस क्या बना? पोर्शिया वॉज नॉट विदाउट विजडम। क्लियर? और आप ध्यान ये रखें कि जहां भी आपने नॉट और विदाउट लगा दिया तो ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इट मीन सेंटेंस आपका नेगेटिव, और नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव। क्लियर? एक और सेंटेंस, एवरी रोज हैज ए थॉर्न। कि हर रोज में, हर गुलाब में एक कांटा होता है। तो इट मीन्स क्या है, कि बिना कांटे के कोई भी गुलाब नहीं होता। तो देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। क्लियर फ्रेंड्स? देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, कि बिना कांटे के कोई गुलाब नहीं होता। फ्रेंड्स अगर कहीं आपको सेंटेंस में सेल्डम दिख जाता है, क्या? सेल्डम। तो सेल्डम वाले सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? जो सेल्डम का मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो होता है बहुत ही कम। क्या अर्थ होता है इसका? बहुत कम। और ये जहां भी दिख जाए तो आप लगा दें नॉट और प्लस वेरी ऑफन। नॉट वेरी ऑफन, ऑफन का मतलब होता है फ्रेंड्स प्राय या अक्सर, और प्राय का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी में, कोई काम हम ज्यादा कर रहे हैं तो प्राय, और सेल्डम क्या है? बहुत कम। तो देखिए बहुत कम और प्राय, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट वर्ड यूज कर लिए, और प्राय से पहले जब हमने नॉट लगा दिया तो वो क्या हो गया? बहुत कम हो गया। यानी एक सेंटेंस अगर मैं लूं कि आई सेल्डम टेक टी, कि मैं बहुत कम चाय पीता हूं, तो क्या बना सेंटेंस? आई डू नॉट, देखिए आपने सीधा क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका टेंस था तो आपने क्या यूज किया? डू नॉट का यूज किया। अब इसके बाद आप वर्ब ले आए टेक टी, और यहां आपको क्या लगा देना है? वेरी ऑफन। तो सेंटेंस क्या बन के आया फ्रेंड्स आपका, कि
कि आई डू नॉट टेक टी वेरी ऑफन, कि मैं प्राय चाय नहीं पीता। प्राय नहीं पीता इसका मतलब क्या है, मैं बहुत कम चाय पीता हूँ। क्लियर। एक बड़ी फेमस सी कहावत है फ्रेंड्स, उसको भी मैं आपको चेंज करना बता दूं, क्या है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कि वो कुत्ते जो भौंकते हैं वो बहुत कम काटते हैं। इसको आप इसका हिंदी इक्विवेलेंट है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसको आपने क्या बदलना है, बार्किंग डॉग्स आपका सब्जेक्ट दिख रहा है, तो चलिए बार्किंग डॉग्स आप ले आए। इसके बाद आप क्या लाएंगे फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसको, यानी डू नॉट लगा दिया आपने, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो बार्किंग डॉग्स डू नॉट, वर्ब क्या है फ्रेंड्स आपकी बाइट, और सबसे लास्ट में आपने लगा दिया वेरी ऑफन, कि बार्किंग डॉग्स की जो कुत्ते भौंकते हैं वो नहीं काटते, वो प्राय नहीं काटते। क्लियर फ्रेंड्स। कहीं आपको सो दैट का अगर यूज दिख जाता है तब आप क्या करें, सो दैट का यूज होने पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सेंटेंस में टू का यूज करना है, एडवर्ब टू का यूज करना है, और सेंटेंस को आपको नेगेटिव बना देना है। यानी अगर आपको कहीं सो दैट दिख जाता है, सो दैट हटाइए और सेंटेंस को एडवर्ब टू यूज करते हुए, नेगेटिव यूज करते हुए बना दीजिए। जैसे मैं कहूं यू आर सो काइंड हार्टेड दैट यू विल फॉरगिव मी, कि आप इतने काइंड हार्टेड हैं, आप इतने दयालु हैं कि आप मुझे माफ कर देंगे। देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, सो दैट दिख रहा है, यानी सो ये रहा और दैट ये रहा। अब आपको क्या काम करना है, इस सो की जगह तो आपको टू का यूज करना है, और जो दैट है इस दैट की जगह आपको क्या यूज करना है फ्रेंड्स, नॉट टू का यूज करना है। क्लियर। तो जैसे सेंटेंस आप लें तो क्या बनेगा आपका, यू आर टू काइंड हार्टेड, यू आर टू काइंड हार्टेड, नॉट टू फॉरगिव मी। क्लियर। यू आर टू काइंड हार्टेड, नॉट टू फॉरगिव मी, मीन्स इस सो की जगह टू लगाया और इस दैट की जगह आपने नॉट टू का यूज कर दिया और सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया। क्लियर फ्रेंड्स। इसका उल्टा काम हम करके आ गए हैं, जहां हमने रिमूवल ऑफ टू था, हमारा एडवर्ब टू था, वहां हमने सीखा था इस टू को और इस टू को कैसे हटा देना है। क्लियर। अगर फ्रेंड्स कहीं आपके पास अब्स्टेन आ जाता है, अब्स्टेन, तो अब्स्टेन को आप क्या करते हैं, इस अब्सटेन का मतलब क्या होता है, इस अब्सटेन का मतलब होता है फ्रेंड्स परहेज करना। क्या, परहेज करना, और परहेज करना क्या होता है, किसी काम को ना करना उसका अब्सटेन होता है, परहेज करना होता है, और ये आपको जहां भी दिख जाता है तो आप यूज करें नॉट टेक। जैसे एक सेंटेंस, आई अब्सटेन फ्रॉम टी, कि मैं चाय से परहेज करता हूं, इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल कर आया वो क्या आया, कि मैं चाय से परहेज करता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं चाय नहीं पीता, तो आपको सीधा नॉट टेक का यूज यहां कर देना है। जैसे आई डू नॉट टेक टी। क्लियर है फ्रेंड्स। एक और सेंटेंस, ही अब्स्टेन फ्रॉम टेलिंग लाइज, कि वह परहेज करता है किससे, टेलिंग लाइज मीन्स झूठ बोलने से, अर्थात ही डज नॉट टेल लाइज।
अगर इस सेंटेंस को बनाना हो हमें तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, ही डज नॉट टेल लाइज, कि वह झूठ नहीं बोलता। क्लियर? अब स्टेन हटाया और आपने क्या लगा दिया, नॉट का यूज करके सेंटेंस को बना। फ्रेंड्स अगर आपको किसी सेंटेंस में गुड दिख जाता है, क्या गुड मींस अच्छा, तब आप क्या करें, तब आप यूज करें नो मीन। नो मीन का मतलब, और मीन का मतलब होता है फ्रेंड्स तुच्छ या घटिया, जिसको आप कह देते हैं तुच्छ या घटिया। कोई चीज अच्छी है इसका मतलब क्या है, वो घटिया नहीं है। क्लियर? तो जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें, लता इज अ गुड सिंगर, कि लता एक अच्छी सिंगर है। तो क्या करना है आपको, इस गुड को हटा देना है और इसकी जगह नोमीन का आपको यूज कर देना है। लता इज नो मीन सिंगर। क्लियर है फ्रेंड्स? मीनिंग देखिए वही निकल कर आ गया कि जो लता है वो एक तुच्छ सिंगर नहीं है। लता इज नो मीन सिंगर। अगर एक और सेंटेंस मैं कहूं, यू आर अ गुड प्लेयर, तो बनाइए इसको क्या बन जाएगा सेंटेंस। आपने इस गुड को हटा दिया और क्या लगा दिया, फिर से आप क्या लगा देंगे, नो मीन मीन्स यू आर नो मीन प्लेयर। क्लियर? यू आर नो मीन प्लेयर। अब यहां एक चीज और ध्यान रखें, ये जो आर्टिकल आपका ए है ये ड्रॉप हो जाएगा, ये हम यहाँ यूज नहीं करेंगे नो मीन लगाते हुए। यानी आप ये कह सकते हैं आ गुड आपको दिख जाता है तब आप सीधा उसको हटाइए और उसकी जगह नो मीन लगा दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ हमने एक बड़ी वाइड रेंज हमने यहाँ कवर की है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की। शायद आप जो बुक पढ़ रहे होंगे वहां हो सकता है 4, 5, 6 रूल्स आपको दिखे, लेकिन हमने यहाँ पॉसिबल जितने भी रूल्स थे वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। और आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा, समझ में भी आया होगा। और फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है उसी का नेक्स्ट सब टॉपिक को ही हम डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।